अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। टुडे द टॉपिक ऑफ आर डिस्कशन इज़ हाउ टू प्रैक्टिस पास्ट पेपर्स। और आज की वीडियो में हम ये चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो कि हैं द ओपन बुक मेथड, द टू इन वन अप्रोच, हाउ टू मेक नोट्स। इसके अलावा मैं इससे रिलेटेड आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे ऑलरेडी मैंने काफ़ी वीडियोज़ बनाई हुई हैं जो कि CSS या PMS के एस्पिरेंट्स के लिए फ्रूटफुल साबित हो सकती हैं, तो काइंडली आप वो भी चेक कर लें जी। तो स्टार्ट करते हैं बकायदा वीडियो को। तो जी, सबसे पहले पास्ट पेपर की प्रैक्टिस कैसे की जाए इसको डिस्कस कर लेते हैं। आप सबको पता है कि पास्ट पेपर की प्रैक्टिस करना कितना ज़रूरी है। अगर आप वो प्रैक्टिस नहीं करते तो ऑब्वियसली आपको नहीं पता चलता कि CSS के क्वेश्चंस किस नौयत के हैं और उनको किस तरीके से टैकल किया जाता है। ऑब्वियसली खाली टॉपिक तैयार कर लेना और नोट्स बना लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि आपने क्वेश्चंस को आंसर कैसे करना है, किस टेक्निक के साथ करना है, वो जानना भी नहायत ही लाजमी है और उसकी प्रैक्टिस करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो आपने पास्ट पेपर की प्रैक्टिस करनी कैसे है? आपने इस तरीके से करनी है कि साथ ही आपके नोट्स भी बन जाएं, ठीक है। और वो किस तरह से बनेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। फॉर इंस्टेंस, आज के दिन में आपने दो टॉपिक किए हैं, सही हो गया। एक पैलेस्टाइन इशू कर लिया और दूसरा कश्मीर इशू कर लिया, सही हो गया। अब आपने क्या करना है, आपके मुताबिक तो आपने भले ही सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर लिया हो, आपने क्या करना है, पिछले 5 साल के पास पेपर्स उठाने, ठीक है। उसमें देखना है कि कश्मीर इशू और पैलेस्टाइन इशू, मतलब मिसाल दे रही हूँ ना, आपने जो भी टॉपिक आज किए आपने वो देखने हैं उस रिलेटेड सब्जेक्ट के। अच्छा, तो आपने पास्ट पेपर में से देखना है कि वो टॉपिक्स किस किस तरीके से पूछे गए हैं, किन किन एस्पेक्ट्स से उसको पूछा गया है। वंस यू हैव गॉन थ्रू ऑल द पास्ट पेपर्स ऑफ 5 ईयर्स, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उसमें से एक पास्ट पेपर सेलेक्ट करना है। मतलब अगर आज आप कर रहे हैं प्रैक्टिस तो आज के लिए आपने एक पास्ट पेपर सेलेक्ट कर लिया और एक सवाल करना है, ठीक है, रोज़ का एक सवाल। जाहिर है अगर आप सारे के सारे ही प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम इसी पे लग जाएगा। अच्छा, तो एक सवाल आपने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद आपने उसको प्रैक्टिस करना है। अब यहाँ पर आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो कि मेंशन मैं करने वाली हूँ, वो ये कि आपने जब प्रैक्टिस करनी है, आपने जब वो आंसर करना है उस क्वेश्चन का, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, तो आपने बुक बंद करके नहीं करना, आपने बुक खोल कर करना है, ठीक है। डेट वुड बी द ओपन बुक मैथड। जब वर्ल्ड कप खेला जाता है तो आपको भी पता है कि पहले नेट प्रैक्टिस होती है, ठीक है, और नेट प्रैक्टिस में अपनी मर्ज़ी की बॉलिंग कराई जाती है, ठीक है, अपनी मर्ज़ी का सारा कुछ होता है, सही है। तो इस वजह से आपको ताकि खेलना आए, सही है। अगर आप पहले ही अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे देन फिर आपको समझ ही नहीं आएगा क्या करना है, कैसे करना है, आप अपने फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो आप बुक खोल के आप इसको प्रैक्टिस करिए। आपको 2 किताबें कंसल्ट करनी पड़ती हैं, 3 करनी पड़ती हैं, आपको इंटरनेट कंसल्ट करना पड़ता है, आप करिए, सही है। इससे क्या होगा, प्रैक्टिस करते हुए ना सिर्फ आपकी प्रैक्टिस होगी, आपकी पेपर अटेम्प्ट टेक्निक्स ऑब्वियसली मज़ीद वो निखर जाएंगी और आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे, सही है। वो ज़ाहिर है आपके बाद में भी तो काम आएंगे, हाँ, लेकिन ये जो प्रैक्टिस है ये अभी के लिए, इन मंथ्स के लिए, जबकि अभी 6-7 माह रहते हैं, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली जब जनवरी और दिसंबर जनवरी का जब टाइम आएगा तब आपने मॉक्स देने हैं, तो तब ऑब्वियसली क्लोज बुक मेथड आपने यूज़ करना है, तब आपने किताबें खोल के डेफिनेटली नहीं लिखना, ये तो अंडरस्टूड सी बात है, ठीक है। ये मेथड अभी के लिए, तो आप सोचें कि मॉक्स जब आपके होंगे तब आपके पास कितने ही सवाल इस तरह से रोज़ प्रैक्टिस कर करके इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। और इसको 2-in-1 अप्रोच मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें क्या होगा, आपके नोट्स भी बन गए, ठीक है, आपकी पास्ट पेपर प्रैक्टिस भी होगी, बल्कि इसको 3-in-1 अप्रोच कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स भी तो आपकी निखर रही हैं इसमें, आपको पता चल रहा है कि पेपर में लिखना कैसे है, ठीक है, कितने टाइम में लिखना है। और हाँ, मैं एक और बात बताती चलूँ, टाइम कंस्ट्रेंट मत रखिएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली विद इन 35 मिनट्स, क्योंकि एक सवाल को हल करने का आपके पास पेपर में जो टाइम है वो 35 मिनट होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि आप ना रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, मे बी, जाहिर है अभी तो आपको आदत नहीं होगी कि 35 मिनट्स में आप चीज़ों को जल्दी जल्दी गैदर कर सकें, एक्यूमुलेट कर लें, इसलिए अभी अगर आपका घंटा लगता है तो लगाएं,
सही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करें इस टाइम को रिड्यूस करने की, और फिर आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ आप इस काबिल होंगे कि आप 35 मिनट के अंदर अंदर सब चीज़ें एक्यूमुलेट करके एक आंसर अच्छा सा लिख सकें, और पास्ट पेपर की प्रैक्टिस भी होगी, आपके नोट्स भी बन गए। फिर जब जनवरी में या दिसंबर में आप मॉक देंगे, आप आराम से उन ऑब्वियसली आंसर्स को, पास्ट पेपर प्रैक्टिस को उठाएंगे, रिवाइज करेंगे और आप अपीयर हो जाएंगे मॉक्स में, ठीक है। और फिर मॉक्स में ऑब्वियसली असेसमेंट तो हो ही जाएगी। तो ये मेथड मैंने आप लोगों से शेयर करना ज़रूरी समझा। अगर आपको ये मेथड पसंद आया हो तो काइंडली आप इस पर अमल करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये फ्रूटफुल रहा या नहीं। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।